अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मालूमाती मरकज। आज की लेटेस्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और लेटेस्ट न्यूज लेकर आया हूं। ये न्यूज इन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने पिछले 3-4 माह से पंजाब पुलिस में कांस्टेबलन, लेडी कांस्टेबलन और वार्डन पुलिस में अप्लाई किया हुआ था। उनका भर्ती के लिए मेरिट क्या रखा गया है, टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट क्या आई है, कितने मार्क्स पे उनका मेरिट बना है। पंजाब पुलिस के रिलेटेड एक बहुत ही और खास वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 2-3 माह पहले पंजाब पुलिस की भर्तियां आई थी, उनके फिजिकल टेस्ट हुए थे और जिन लोगों ने फिजिकल टेस्ट पास किया था, महकमा पंजाब पुलिस ने उन लोगों का कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस के थ्रू तहरीरी टेस्ट लिया था। इसमें कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ट्रैफिक वार्डन का तहरीरी टेस्ट लिया गया था। आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। दोस्तों, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि पंजाब पुलिस में पूरे पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सब डिस्ट्रिक्ट का जो मेरिट बना है वो 40% बना है। जिनके 40 से ज्यादा टेस्ट में नंबर आए हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, क्योंकि इस दफा टेस्ट भी काफी मुश्किल था और कैंडिडेट की पासिंग रेशियो बहुत ही कम रही है और स्टूडेंट्स के नंबर बहुत ही कम आए हैं। इसमें 40% लोग पास हुए हैं क्योंकि टेस्ट भी ज्यादा हार्ड था, तो इसलिए कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस ने जो मेरिट लिस्ट बनाई है वो 40 प्लस है, यानी 40 से जिसके भी मार्क्स ज्यादा हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू करें। इंटरव्यू में जनरल नॉलेज, इंग्लिश और कंप्यूटर की तैयारी ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपको पंजाब पुलिस के लिए ज्वाइन किया जा सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।